दुनिया के हृदय रोगियों में 16% भारतीय हैं। इसमें भी भारत में विदेशियों से 20 साल पहले हार्ट फेलियर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देखने को मिल रही हैं। इसका सही तरीके से मैनेजमेंट न होने से मौत भी हो रही है। यहां तक कि इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर 26% मरीजों की मौत रिपोर्ट की जा रही है, जबकि विदेशों में यह 9% है। गुरुवार रात को आगरा के होटल क्लार्क शिराज में पहले हार्ट फेलियर कॉन्क्लेव में देश है विभिन्न प्रांतों के 100 हृदय रोग विशेषज्ञों ने हार्ट फेलियर और सीवीडी के बढ़ते कारण और मैनेजमेंट पर चर्चा की। अगर हम हार्ट फेलियर कॉन्क्लेव को करते हैं तो हमें और नवीनतम जानकारी मिलती है कि जो हार्ट फेलियर के जो ट्रीटमेंट है कैसे किए जाए, नए नए ट्रीटमेंट क्या आ रहे हैं, नए नए क्या आयाम हैं, तो उससे हम लोग हमारे फिजिशियंस को और जानकारी मिलेगी, वो और अच्छी दवाइयों से पेशेंट को ठीक कर पाएंगे, उनको अच्छे सुझाव दे पाएंगे कि हार्ट फेलियर से कैसे बचा जाए, कैसे जो रोग बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ गया है, एपिडेमिक हो गया है, उससे हम कैसे कम कर पाएंगे, कैसे उसका निदान करें, कैसे उससे बचेंगे। कॉस्टिंग भी सर कम होगी, कॉस्टिंग भी कम होगी जो पेशेंट इलाज कराएंगे, नई टेक्निक यूज करेंगे तो कॉस्टिंग तो कम हो सकती है, लेकिन कॉस्ट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेनली जो ट्रीटमेंट जो मॉडलिटीज है, नई ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है जिसमें डिवाइसेस इंटरवेंशंस और जो प्रिवेंशन है उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। डॉक्टर सुवीर गुप्ता ने बताया कि कुछ दवाएं हैं जिनसे कार्डियोवैस्कुलर डेथ 20% तक कम हो सकती है। उन्होंने अलग अलग दवाओं और हृदय रोगियों में उनके रिजल्ट पर चर्चा की। बताया कि 2020 तक भारत में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होने वाली मौत चिंता का विषय होगी, इसकी रोकथाम संभव है। हार्ट फेलियर भारत में 53 साल की उम्र में देखने को मिल रहा है। अमेरिका सहित कई देशों में हार्ट फेलियर के केस 73 साल की उम्र पर रिपोर्ट हो रहे हैं। यही उम्र व्यक्ति के कमाने की होती है। यदि इस दौरान उसे बीमारी हो जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इससे बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट भी जरूरी है। आने वाले समय में देखेंगे इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और आयोजित की जाए आगरा में, और जो नई टेक्नोलॉजी है हार्ट फेलियर में वो पेशेंट पे लागू करके पेशेंट को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। फिलहाल के कुछ सालों में आगरा में कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट बहुत तरक्की करी है, मतलब एट पार टू द दिल्ली एंड बॉम्बे जो यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है, और नए कार्डियोलॉजिस्ट जो आ रहे हैं, और जो तमाम तरह की जिस तरह की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे मुझे लगता है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट की नॉलेज और क्लिनिशियन की नॉलेज तो बढ़ेगी, साथ में पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशान गुप्ता ने हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में नई और पुरानी दवाओं पर स्टडी पेश की। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने हार्ट फेलियर और सीवीडी के केस में डिफिबिलेटर सहित अन्य उपकरणों के इस्तेमाल पर चर्चा की। तो वहीं डॉक्टर विनेश जैन ने बताया कि करीब 50% हार्ट फेलियर और सीवीडी के मरीज में कोई लक्षण नहीं होते, उन्हें चेस्ट पेन की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे केस में मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु यादव ने एक्यूट हार्ट फेलियर को डायग्नोस और उसके मैनेजमेंट पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।